अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाय फ्रॉम पाकिस्तान बैक अगेन विद अनदर स्टेयरिंग व्हील वीडियो। सो भाई, आज सुजुकी मेहरान हम टेस्ट कर रहे हैं आबिद की विद लॉजिटेक G923 एंड थ्रस्ट मास्टर शिफ्टर के साथ। सो लेट्स गो। ना प्यारा वेदर हो रहा है यार। यार वैसे अंदर ना डैशबोर्ड की फीलिंग इसकी अच्छी आ रही है, और काफ़ी लोग कमेंट्स में कहते हैं कि HK भाई जो आप लोकल गाड़ियां यूज़ करते हैं वो भाई आप लेफ़्ट हैंड ड्राइव क्यों होती हैं, राइट हैंड ड्राइव क्यों नहीं होती हैं। तो गाइज़, मैं मॉड नहीं बनाता हूँ, जो ये 3D बने हुए होते हैं ऑलरेडी, तो ये उस हिसाब से बनी हुई होती है। कुछ ऐसे मॉड्स भी हैं गाइज़ जिसमें राइट साइड पर हैं स्टेयरिंग, लेकिन अब भाई जो अवेलेबल होता है आपका भाई वही यूज़ करता है ना। अगर मैं ख़ुद बना रहा होता तो फिर क्या ही बात होती, अगर मुझे इतना आता ही होता तो क्या ही बात होती गाइज़। खैर जो है भाई वो भी अच्छा ही है यार, मतलब अगर हमें ये लोकल मॉडल्स मिल रहे हैं थैंक्स टू अवर पाकिस्तानी मॉडर्स, उनकी वजह से यार हमें ये मिल गए हैं, तो हम खेल लेते हैं गेम में, वरना तो यार फिर मुश्किल ही हो जाता। क्योंकि देसी कंटेंट हम बनाते हैं तो उसमें यार ये देसी गाड़ियाँ यूज़ हो जाती हैं ना, तो थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। खैर एनीवेज, फ़िलहाल अगर मैं रिव्यू दूँ तो यार ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मॉड जो है ना ये अच्छा है, और ये कीबोर्ड कंट्रोलर और स्टीयरिंग व्हील के साथ भी अब तक तो अच्छा ही चल रहा है। अभी मैनुअल ड्राइव कर रहा हूँ गाइज, मैं CNG पे चला रहे हैं भाई, देखो CNG पे मेहरान चला रहे हैं। आज इसकी लॉन्ग राइड लेंगे यार हम। भाई आपका भाई तो इम्प्रेस हो गया, रोड ग्रिप तो बड़ी अच्छी है यार इसकी, इवन के रेनी वेदर में भी। कटिंग करेंगे मेहरान से, जिग जैग जाएंगे, लेकिन यार ये जिग जैग में ना ये स्लिप होगी, लेकिन ट्राई करेंगे हम यार। बस ये लास्ट गियर है सुजुकी मेहरान का, तो चौथे से ऊपर तो जाएगी नहीं, हमें इसमें ही गुजारा करना है। मैं बीच में से ना निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस लग ना जाए गाड़ी, ट्राई करते हैं। जगह मिली आपके भाई को यार, बस मुझे GTA 5 में एक सबसे बड़ा ब्लंडर लगता है मॉड्स जो हैं अवेलेबल यार उसमें, या ना ये मॉड नहीं है यार, तुम लोग देख रहे हो साइड मिरर पे पीछे ना कोई व्हीकल या कोई बंदा नज़र नहीं आता, मतलब रोड नज़र आएंगे तुम्हें, एम्बियंस जितना भी वो नज़र आएगा, लेकिन यार साइड मिरर का काम यही है कि हम पीछे गाड़ी देख के कट मारे ना यार, वो नज़र ही नहीं आती इसमें यार, ये एक बड़ा ब्लंडर है इसमें। ओ भैन, घुस गया ना मैं, ये सबसे बड़ा यार ड्रॉबैक है इसका, अब तक मुझे कोई ऐसा मॉड मिला ही नहीं है यार इसमें, एंड आई डोंट थिंक सो के है भी, या मेरी नज़र से मिस हो गया। अगर है कि भाई साइड मिरर से गाड़ियां नज़र आती है तो कमेंट में बताओ यार, क्योंकि देखो भाई पीछे तो नज़र ही नहीं आता कुछ, वरना तो फर्स्ट पर्सन में मैं चलाऊँ और साइड में देख देख के कटिंग मारूँ। अभी यही तो सारा मसला होता है कि फर्स्ट पर्सन में हम कटिंग कर रहे होते हैं, अब जो पीछे गाड़ियां होती हैं उनकी पे साइड लग जाती है आपको। फुल रेनी वेदर में क्रूजिंग कर रहे हैं हम विद सुजुकी मेहरान, एंड सरप्राइजिंगली बहुत मज़ा आ रहा है भाई, लबी शीरी सा फील हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है यार। वैसे डैशबोर्ड का लुक इसका अच्छा है, मीटर खराब है मुझे लगता है, मीटर की सुई नहीं है इसकी। खैर नीचे जो स्पीडोमीटर है उसी से हम चेक कर लेंगे, उसी से पता भी लग जाएगा गियर कौन सा डाला हुआ है। तुम लोगों को मुझे तो पता है मैं कौन सा गियर यूज कर रहा हूँ। ओहो ये देखो, ये मसला है ना गाइस। अच्छा अब नजर आई थोड़ी कोई गाड़ी की हेडलाइट, लेकिन यार वो भी कुछ पता नहीं लग रहा ना। काश यार इसका कोई मॉड आ जाए। ओ इसने रोड पर ब्रेक मार दिया, क्या हो गया भाई? अच्छा वो मैं इसकी लेन में नहीं था, मैं घुस जाता। अब आया ना ट्रैफिक, सिटी में आया ना तो ट्रैफिक आया।
एंड बाय द वे गाइस, लोग पूछ रहे हैं कि एच के भाई कौन सा मॉड यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस नेचुरल विजन इवॉल्व ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो पुराना इसका अपडेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नए अपडेट में बहुत बग्स और एरर्स आ रहे थे तो वो मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसका जून का यूज़ कर रहा हूँ, जून 2021 का वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास पुराना रखा हुआ था तो वो मैंने कर लिया, नए वाले में ना पता नहीं क्या बग्स आ रहे हैं मेरे गेम में, क्योंकि मेरा क्रैक्ड वर्जन है ये वाला गेम और वो अपडेटेड नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राफिक मॉड आता है वो नए अपडेटेड गेम पे आता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में बग्स आ रहे थे मेरे पास। अगर तुम लोगों का गेम जो तुम मॉड्स के लिए यूज़ करते हो GTA 5 का, अगर वो अपडेटेड है तो तुम लोग नेचुरल विजन इवॉल्व का जो अपडेटेड वर्जन आया है ना तुम वो यूज़ कर सकते हो, मतलब जो कि मार्च का अपडेट है वो यूज़ कर सकते हो तुम। मैं नहीं यूज़ कर सकता, उसमें फिर बग्स आते हैं, गेम बंद हो जाता है, वही मॉड गाइस। और बस एडिटिंग में थोड़ी सी कलरिंग पे मैं थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ तो थोड़ी सी और इन्हेंसमेंट हो जाती है, बस ये है गाइस, और कुछ फैंसी नहीं है। ये भाई अशरफ भाई ने सिविक क्या ली रोड पे, अरे भाई मैंने तो ये देखा ही नहीं, आगे से लग गई है गाड़ी। खैर मेहरान और लगे ना, ऐसा हो सकता है। ओ ओ सिविक वाले यार क्या बात है, अशरफ भाई के पास जो सिविक आई सब ने ले ली भाई, शहर में आम हो गई है, रोल केज लगा के घूम रहे हैं भाई, रेसर्स नहीं लगता। खैर क्रूजिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है मेहरान को यार, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये मॉड यूज़ करें, बड़ा मज़े का मॉड है भाई। बहुत कम मॉड्स होते हैं जो स्टेयरिंग व्हील में आपको रियल फील दे रहे होते हैं, ये रियल फील दे रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसकी इतनी स्पीड नहीं है ना, वैसे भी मेहरान की कौन सी स्पीड होती है, लेकिन उसके हिसाब से ये सही चल रहा है। मतलब अगर आप स्टीयरिंग व्हील के साथ इसको खेलो ना तो थोड़ा बहुत तो आपको फील देगा, विच इज़ गुड। अभी तो गाइस इसको सेकंड चैनल पे हमने टेस्ट भी करना है, इसका ड्रॉप टेस्ट, ऑफ रोड टेस्टिंग, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट द सेकंड चैनल एज वेल, गाय फ्रॉम पार्क है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। 78 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं सो फार, और आई होप के यार 100 के हो जाएंगे इस मंथ, आई होप सो, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस पे हम इसको टेस्ट करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा भाई फुल शशके विद मेहरान, क्योंकि ये मॉड अच्छा है, ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करें। वैसे यार इस मॉड की जो ख़ास बात मुझे लग रही है ना, वो जो पीछे इसका CNG सिलेंडर नज़र आ रहा है ना, वो सारे पैसे उसके, मतलब फुल देसी फील आ रहा है। अच्छा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी मेहरान भी हैं जिनकी बैकलाइट वैसी है जैसी होती है, इसकी बैकलाइट वैसी नहीं है, तो भाई आफ्टर मार्केट लगाई भी है ना यार, अभी मॉडिफाई भी करवानी है हमने, ऐसे थोड़ी चलाएंगे यार, सादी सादी मेहरान थोड़ी चलाएंगे, अभी लिए थोड़े मज़े लेंगे फिर उसके बाद मॉडिफाई करवाएंगे इसको, सब्र करो भाई। सारे मॉड्स जो जो अवेलेबल हैं जो मुझे मिल जाएंगे तो वो सामने हिरन आ गया, तो उस हिसाब से गाइस हम यूज़ करते रहेंगे उनको, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कितने मॉड्स हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स ही बताते हैं अपने और कुछ मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि ये मॉड आया हुआ, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, फिर क्रिएटर से देखते हैं कि भाई क्रिएटर कौन है इसका, तो उस हिसाब से इसको मेंशन करते हैं। आई थिंक ये जो मॉड है ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था, ये PTG ने मुझे दिया था, तो पाकिस्तानी द गेमर का ये मॉड है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम आई थिंक उसकी वेबसाइट है या फिर उससे खुद कॉन्टेक्ट करके उससे ले लो, उसने मुझे पहले दिया था, मैं पहले भी यूज़ कर सकता हूँ, तुम लोगों को पता है जो पहले स्टोरी में, तो ये वही मॉड है। और भी मेहरान के मॉड्स हैं, खान गेमर के पास भी है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना है और वो इसके मुकाबले में थोड़ी सी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है। कुछ मॉड्स खान गेमर के बहुत अच्छे हैं जो कि बेस्ट हैं, जैसे कि मैंने 125 यूज़ किया लास्ट वीडियो में, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ ऐसे मॉड्स हैं जैसे कि बोलान है, वो उसने बनाया, बहुत अच्छा मॉड है। तो ऐसे हैं हमारे जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, उनके अच्छे मॉड्स हैं, और भी हैं मॉडर्स, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता, आई थिंक मैंने उनके मॉड यूज़ नहीं किए, कुछ के यूज़ किए हैं तो मैंने मेंशन किया होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी में या फिर हम यूज़ करते रहेंगे देसी मॉड्स तो मैं वो तुम लोगों को बताता भी रहूँगा। फर्स्ट पर्सन में मेहरान चलाएंगे, कटिंग करेंगे भाई फुल, जैसे चलाते हैं ना, यार मैं समझ रहा था कि मैं घुस जाऊंगा, लेकिन नहीं यार, चौथे गियर में फुल थ्रॉटल के साथ आपका भाई खींच के रखा हुआ है मेहरान को, ओए ओए निकाल ली निकाल ली, चैंपियन स्क्रैच भी नहीं मारा मैंने भाई, मेहरान नॉक कर रही है, इंजन की आवाज सुनो,
हिलने लग गई मैरान। हाँ टॉप स्पीड पे तो हिलती है मैरान वैसे भी। निकाल लूंगा। नहीं नहीं यार उसने जगह ही नहीं दी, ब्रेक मार दिया हरामी। साइड से निकालेंगे वरना मैं बीच में स्पीड में ले जाता। ये देखो गाइस पीछे कितनी गाड़ियां और ट्रक गए हैं, साइड मिरर में मजा ले जो नजर आ रहा हो कुछ। बाइक वाला कटिंग मारता हुआ जा रहा है, मेरे सामने नहीं आना उड़ा दूंगा मैं। वैसे भी जो है वो फुल खींच के मैंने रेस दी हुई है। वन फिफ्टी की स्पीड पे मेहरान इससे ज़्यादा जा नहीं रही क्योंकि नॉक करे जा रही है और आखिरी गियर है गाइस। अब इसके ऊपर मैं कौन सा गियर मारूँ। ये देखो हिल रही है डब्बा हिल रहा है। इसको साबुनदानी भी कहते हैं कराची में वैसे। ये साबुनदानी हिलने लग गई भाई। ओ वीगो जा रही है, ज़रा साइड पर होना पड़ेगा कहीं ये हॉर्न बजा के हमें पेल ना दे। ओ कट आ गया हमारा, कट आ गया। ओ आई एम सॉरी। कितनी? हाँ 4 पॉइंट थे सीएनजी के, मतलब 2 पॉइंट रह गए। अंदाजा हो गया सीएनजी पे कितना देती है ये। पिक अच्छा है इसका भाई। अमेजिंग अमेजिंग इम्प्रेसिव भाई। मुझे पता नहीं था कि ये बिल्कुल सही बैठेगी स्टीयरिंग व्हील पे, लेकिन नहीं यार सच में यार मज़ा दे रही है। स्पीड ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी स्लिप होती, ग्रिप नहीं करती। स्पीड कम है और इस मॉडल के हिसाब से जस्टिफाइड है। अब इसकी कोई 200-300 स्पीड तो हो नहीं सकती ना, मॉडल भी तो देखो यार, तो जस्टिफाइड उस हिसाब से। हमारा कट आ गया, गाड़ी थोड़ी सी आगे लग गई है, वो हम इन आबिद साहब को बनवा के दे देंगे। फिलहाल हमने तो टेस्ट करना था इसको, कौन सा कट है। फर्स्ट पर्सन में तो सही पता भी नहीं रहता ना। हाँ ओके आ गया आपका भाई। चलो भाई गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ मुर्गियों का रास्ता फिर बंद हो जाएगा तो थोड़ा पीछे ही लगा देते हैं। ओह चढ़ गया मैं शायद लकड़ी वकड़ी पे, कबाड़े पे चढ़ गया। ओके परफेक्ट, न्यूट्रल कर दी गाड़ी। ओके गाइस तो सुजुकी मैरान हमने टेस्ट की थी लॉजिटेक G923 के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।